अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। भाई सुबह सुबह की रूटीन वो की वही, सुबह आया मैंने बोला पूरा साफ सुथरा करके अब इनको दाना पानी करूँ। मैं वो चीज़ आप लोगों को भी दिखा दूँ कि भाई मैं सुबह सुबह में जो हूँ कैसे उठ के आता हूँ और इनको किस तरीके से करता हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं दोस्तों इनकी सफाई करता हूँ, ये देखें पूरी की पूरी, और सारा कचरा उस तरफ जमा कर देता हूँ या फिर उस तरफ। अभी ये मैं फेंक दूंगा क्योंकि अभी मैं फ़िलहाल थक गया था और इनको लेट भी हो रहा था खाना, तो इस वजह से मैं पहले ना वहाँ कर उसकी तरफ कर देता हूँ, सारा का सारा गंद उधर कर देता हूँ एंड में फेंक देता हूँ। फिर दोस्तों अभी जो है उसी की तरह हमने हीरा को खोला हुआ, और हीरा की हरकत देखें, वहाँ पर रोटी छोड़ के अपनी जो इसकी डाइट है अच्छी वाली वो छोड़ के वहाँ ये बाजरा पड़ा हुआ है उसके अंदर मुँह डाल के खाता है। ये देखें। खैर खा तो रहा है ना, ये शुक्र है खा रहा है, क्योंकि बहुत सुस्त है खाने में दोस्तों, तो इस वजह से मैं उसको ऐसे ही गुल्ले रहने देता हूँ। आ जाओ हमारी गलवा मादी, और ये आ गई बाहर। तो दोस्तों हमारे जो सुरखाब है ना वो माशाल्लाह माशाल्लाह से फीडिंग पे आए हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अंडे जल दे देगी माता, पर यार इनको ना ये केज बहुत छोटा पड़ रहा है और हम एक केज की तलाश में लगे हुए हैं, और भाई वगैरह सब लगे हुए हैं, मैं हमजा अख्तर भाई, हम तीनों ढूंढ रहे हैं कि कोई अच्छा केज मिले मुनासिब, अच्छा मतलब बड़ा हो इनके हिसाब से, क्योंकि आप देख रहे हो इसकी अभी माशाल्लाह से देखें कितना बड़ी दुम है इसकी, और यार ये माशाल्लाह माशाल्लाह खूबसूरत कितना है दोस्तों, अंदर से दिखाऊं ये रहा माशाल्लाह से कितना हसीन होता है ये। कि मैं अगर परिंदों में बात की जाए खूबसूरती की तो सुरखाब पहले नंबर पर आए, और बाकी बहुत से परिंदे ऐसे जो तो हमने देखे ही नहीं है, और तो इंशाल्लाह जब ये चिड़ियाघर पूरा बन जाएगा हमारा तो इंशाल्लाह फिर मैं लाजमी लाऊंगा ऐसे और भी परिंदे। हमारे जो हीरा और यार कंदारी है ना वो प्यासे और भूखे शदीद हो रहे हैं देखें, क्योंकि मैंने इनको पानी भी नहीं डाला ना खाना, क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ कि दाना पानी अगर अंदर करने लग गया ना तो यार ये उसी के आदि बन जाएंगे, और बाहर आने से वैसे ही इतना डरते हैं ये मतलब उधर उधर घूमने में, तो इस वजह से मैं इनको अपना बाहर निकालने की आदत डालना चाह रहा हूँ कि ये बाहर निकल के खाएँ पिए औरों के साथ घुले मिलें। खैर बाकियों को तो ये मारेंगे ही क्योंकि वाली नस्ल नहीं है ये, लेकिन फिर भी एक जो इनका वैसे डर है ना हमारे से वो इनका ख़त्म हो, तो वो मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। चलो भाई अब आ गई दोस्तों इनकी बारी, जाओ चलो आ जाओ, चलो भाई आई जाओ तुम लोग भी। मैं जो है दोस्तों नीचे जा रहा हूँ, और नीचे जाके आप लोगों को जो कल की चूजा हमारा बीमार हो गया है बेचारा, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में, तो मैं उसको दिखाता हूँ आप लोगों को कंडीशन के अभी क्या है कंडीशन। चलो भाई दोस्तों यार मैं जितना गली के सेटअप से भागने की करता था ना, भागने की क्या मतलब ख़त्म करना चाहता था, उतना ही मैं गली में आ गया, क्योंकि चूज़े जो है मैंने कल आप लोगों को दिखा दिए थे कि हमारे जो चूज़े हैं दोस्तों वो बहुत ज़्यादा ना मतलब एक दो बीमार लग रहे थे, अभी तो कुछ सही है लेकिन आप लोगों को पता है उसमें जो चूज़ा है वो काफ़ी बीमार पड़ गया है, तो उसको हम अभी हटाते हैं देखते हैं कैसा है। कल भी मैंने उसको पैरासीटामोल दे दी थी बुखार के लिए, शदीद बुखार है, और उसको दोस्तों आंखों वाली ये बीमारी आई हुई आप लोगों ने देखी होगी। बाकी दोस्तों मैं जितनी अपनी तरफ से जितना मुझे पता है दवा देनी है, जिन भाइयों को पता है वो लाजमी कमेंट में बताएं कि इसको मैं क्या दूँ कि ये जल्दी से। नहीं, इधर रख देता हूँ भाई, तुम लोग इधर आ जाओ बीच में, कहाँ चले गए छोटू मियाँ। यार ये बड़ी मुश्किल हो रही है, ये लोग यहाँ पे आके ना दोस्तों छलांग मार देते हैं मैं जैसे ही गेट खोलता हूँ, क्योंकि छोटे इन्हें पता नहीं है। अब दोस्तों उसको यार अपने देखें हम इसकी क्या कंडीशन है, दोस्तों अभी भी काफ़ी बीमारी है ये, थोड़ा घुमाएं। ये रहे दोस्तों हमारे छोटे से कुकू, इसका नाम मैंने कुकू रख दिया रात ही रात में, तो कुकू दोस्तों हमारा काफ़ी यार अभी भी बीमार है, और इसके अंदर खड़ा तो हो पा रहा एक मिनट। अरे दोस्तों ये देखें ये हुआ इसके साथ सीन, क्या वॉशरूम की जगह देखें कैसी हो रही है इनके, सही है। अक्सर ये चूजों में दोस्तों चीज़ देखने को मिलेगी इनके वॉशरूम की जगह पे जो है ना वॉशरूम जो होता है इनका पॉटी वो फंस जाती है तो इस वजह से ये बहुत शदीद बीमार पड़ जाते हैं। अब मुझे इसको पूरा साफ़ करना पड़ेगा और जो है गंद निकाल के, ताकि आसानी से ये फिर सेट हो जाए, एक तरीके से कब्स ही कहलाएगा ये मेरे हिसाब से जो ये बीमारी होती है। खैर इसको साफ़ सुथरा करके इसको दाना पानी देंगे यार। तो दोस्तों मैं सोच रहा था कि जो हमारा कुकू है उसको जो है हम दाना पानी दें, पर मतलब ज़बरदस्ती खिलाना पड़ेगा, लेकिन नहीं भाई उसको मैंने इसकी आंखों में दोस्तों एक अजीब सी पता नहीं क्या था वाइट वाइट तरह का कोई वो चीज़ लगी हुई थी, तो बीमारी कहलाती है जो इसकी आंखें बनती हो, मैंने साफ़ करी हैं आँखें इसकी पूरी, ये देखें तो अब माशाल्लाह से कुकू काफ़ी सहज लग रहा है, और ये छोटे से हिले जा रहे हैं, तो इसने थोड़ा सा दाने पर भी मुँह मारा दोस्तों और पानी भी खुद पिया है अभी मेरे सामने इसने। आँखें सहज हुई इधर आओ, कुकू की आँखों में कोई
चिपका चिपकापन व्हाइट कलर का आ रहा था, अब वो इन्फेक्शन है क्या है? देखो एक काम कर, इन्फेक्शन है इसको, एक क्या काम कर, ये डब्बा नहीं है इधर जो बेड के पीछे डब्बा लगा हुआ, हाँ हाँ, इसमें पॉलीफेक्स थोड़ी ना कर ली लेके यार, चलो पॉलीफेक्स लगा देते हैं। ये पॉलीफेक्स, ये रे पता नहीं था पॉलीफेक्स पड़ी हुई है दोस्तों, वरना मैं पहले ही लगा देता, लेकिन हमदा ने अब आगे बताया भाई साहब ने कि पॉलीफेक्स पड़ी हुई है, लो भाई जल्दी से लगाओ। नहीं इसके पीछे, हाँ पीछे मैंने साफ करा है अभी पूरे का पूरा इसका, ये देखें दोस्तों दिखाना इसके कपड़ा दे। ये पूरी साफ मैंने जगह करी है, दिखाई भी थी पूरी साफ करी है, अब मुझे लग रहा है कि इसके थोड़ा सा जोर लग, यार ये ना हो ना कि तकलीफ से ये कहीं, हाँ यही इसको परेशान कर रही है इस वजह से, तो अरे निकल लिए निकल लिए निकल लिए, निकाल दो सारी इस वजह से इसका, ये देख रहे हो, ये मैं यही बोल रहा था कि इसको इस वजह से भी, इस वजह से दोस्तों इसको ज़्यादा परेशानी है। मैंने प्रेज इसलिए नहीं करा यार, मुझे डर लगता है चूते हैं छोटे तो ये ज़्यादा मतलब कुछ हो ना जाए ना, ये लो खोल के तुम, हाँ उठाए उखाड़नी पड़ेगी तुम्हें, डाल 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 बस लग गई लग गई लग गई। चलो भाई कुकू आप सेट हो गए दोस्तों इसकी, हमने वो बेड भी निकाल के फेंक दी और पूरी जगह साफ कर दी बैग से, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ में था यार। खैर अब कुकू को हम रख देते हैं अंदर, ठीक है भाई कुकू, दाना पानी अंदर नहीं रखेंगे, गीला कर लेगा अपने आप को, खराबी हो जाएगी यार। दोस्तों इनकी जो है ना, मैं रोटी रख कर गया था वो देख लूँ कि उसमें बहुत सारी ना आज चोटियाँ हो रही थी, ये देखें अभी, ये देखें हल्की पुल्की चोटियाँ हैं, तो ये सारी इनको खिलानी थी, अब मैंने बोला धूप में रख दूँ ताकि जितनी चोटी ना वो चली जाए। अरे तेरी पूरे का पूरा भम्माल लगा पड़ा चोटियों का भाई, इतनी सारी चोटियाँ हैं यार, ये देखें पूरी की पूरी चोटियों में हो रहा है। इसको थोड़ा सा खुला रखते हैं और आगे करके रख देते हैं कि इस तरफ हो, और ये तो धूप ही नहीं पड़ रही इस पर, ये तो हटा दो दोस्तों, उठा के रखता हूँ ऐसे बस, अब धूप पड़ेगी ना तो अब इनको मज़े आएंगे। बाकी हम यार कंदारी खुले में, इनको मैं अंदर करूँ, हमदा छत पे आया था सेटअप पे अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है हमदा साहब जी इनको खुला छोड़ गए, उन्हें पता ही नहीं है। चलो 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 अंदर चलो 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 बस। दोस्तों मैं कितनी मेहनत से साफ करता हूँ पूरी जगह, और ये देखें क्या बेड़ा गर्क करा इन्होंने, ये जगह का वो जगह का, वापसी से वैसा ही कर दिया जैसा मैंने साफ करा था ना गंदगी को, वैसा ही कर दिया वापसी गंदा। दोस्तों मेरी आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारा जो कुकू है ना यार, उसके लिए दुआ करें आप सब कि वो जल्द अज जल्द सेट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसकी कंडीशन ऐसी लग रही है, तो ऐसे ऐसे चूतों का चांसेस बहुत कम होते हैं, पर क्या कर सकते हैं, दुआ करें आप लोग भी दोस्तों कि वो जल्द से जल्द हमारा कुकू जो है वो सेट हो जाए इंशाल्लाह। बाकी मैं जितनी कोशिश कर सकता हूँ अपनी, हम लोग कर रहे हैं उसको बचाने की। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी, तो अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल गर्मी शॉप को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक नए ब्लॉग के साथ, अभी के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय। बाकी का सफ़र आपका नीचे लिखा है, आ जाओ।